हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सर्स को सेपरेशंस करने के मेथड, मींस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स। मिक्सर्स को कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। और इससे पहले सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस, ये चीज़ें देखी थी। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखा था, जिसमें ट्रू सस्पेंशंस और कोलाइड सॉल्यूशंस का डिफरेंस भी हमने अच्छे से स्टडी किया था। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा मिक्सर्स को सेपरेशंस करने की मेथड्स, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशंस हैं उनके कॉन्सेंट्रेशंस कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको बता रखा है कि सॉल्यूशंस के दो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये मोर क्वांटिटी में होता है, जिसमें डिजॉल्व करना होता है चीज़ों को, और ये लेस क्वांटिटी में होता है जो डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं सॉल्यूशंस के, तो दो तरीके होते हैं। पहला मास बाय मास, ठीक है, मास बाय मास, और दूसरा होता है आपका मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एक हो गया आपका मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा मास बाय मास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। जब मास बाय मास परसेंटेज पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है, मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, उनको डिवाइड करना है, देन 100 से मल्टीप्लाई करना है। मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100%, क्योंकि परसेंटेज 100, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट जब मास बाय वॉल्यूम की बात होगी तो क्या निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 100। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मास दिया जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और आपको पूछ लिया जाए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सॉल्यूशंस का, या फिर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का और आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ लिया जाए, तो आप परसेंटेज भी उसको इस फॉर्मूले से जनरेट कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो देखेंगे, जो आज का अपना मेन टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स, ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स, मिक्सर्स को सेपरेट करने की विधि, ठीक है। तो कौन के? तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं सेपरेशंस के, ये देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इवेपोरेशंस हो गया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशंस हो गया, डिस्टिलेशंस हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, क्रिस्टलाइजेशंस हो गया। तो बहुत सारे इनके मेथड्स हैं जिनसे हम इनको फिल्टर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं पार्टिकल्स को, मिक्सर्स को, ठीक है। तो जो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, इवेपोरेशन से, ठीक है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशंस क्या होता है, इसमें मिक्सर्स किसका होता है, दो चीज़ों का मिक्सर्स होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें जो हैं यहाँ पर, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मिक्सर किया जा रहा है, तो उसमें एक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, हाइयर होगा, और एक का क्या होगा, लेस होगा। तो जो लेस वाला, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, ठीक है, वाटर वेपर बनकर उड़ जाएगा। और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो कहाँ पर, नीचे तली में बैठा ही रह जाता है, यानी कि तली में वो फिक्स रहता है। तो इस तरीके से इस मेथड को क्या बोला जाता है, इवेपोरेशंस बोला जाता है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, बेसिक प्रिंसिपल, इसका बेसिक प्रिंसिपल, आउट ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सर वन कैन इवेपोरेट, दैट इज इट हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर कंपोनेंट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट
लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड। तो याद रखना है टू कंपोनेंट्स है मिक्सर्स के, टू कंपोनेंट्स में वन कंपोनेंट्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है वो इवेपोरेट हो जा रहा है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो जो पैट्रिज डिश है उसमें क्या है, बचा रह जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो डाई का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो डाई होता है वो मिक्सर होता है डाई और वाटर का, तो उसमें जो डाई होता है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है। तो जब इसको इवेपोरेट किया जाता है तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और जो डाई होता है वो पैट्री डिश में लेफ्ट हो जाती है, यानी कि उसी में बची रह जाती है। तो इसको देख लेते हैं हम एग्जांपल को अच्छे से। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये क्या हो गया, बर्नर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ट्राइपॉड हो गया, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। और ये याद रखना है आपको, ठीक है, तो ये बर्नर हो गया, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, यहाँ पर ये फ्लेम जा रही है, ठीक है, ये फ्लेम है यानी कि लौ है जिसे हम बोलते हैं, फ्लेम है ये, और यहाँ पर एक मीन्स एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, जिस पर क्या रखना है हमें, ये बीकर है, क्या है, ये बीकर है, और इसके ऊपर ये पैट्री डिश हो गई, ठीक है, पैट्री डिश हो गई, यहां पर ये डाई है, ठीक है, डाई लेफ्ट बिहाइंड, डाई लेफ्ट बिहाइंड, ये डाई हो गया, और यहां से जो ये वाटर है, ये वाटर है इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, क्या इवेपोरेट हो रहा है, वाटर इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ पर, और जो ये डाई है ये लेफ्ट रह जा रही है कहाँ पर, पैट्री डिश में, ये क्या है, पैट्री डिश है, ठीक है। तो याद रखना है इवेपोरेशन में क्या करना होता है, ये बर्नर है, बर्नर पर रखा गया है, ठीक है, एक बीकर, और बीकर में, बीकर के ऊपर ही पैट्री डिश रखी हुई है जिसमें किसका मिक्सर है, वाटर और डाई का मिक्सर है। तो जब यहाँ से फ्लेम जाती है, ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, हीटिंग होगी, जब यहाँ पर हीटिंग होती है तो क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेस है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा और डाई इसी पैट्री डिश में रह जाती है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो नोट कर लो आप इसे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, मिक्सर ऑफ डाई एंड वाटर डाई लेफ्ट बिहाइंड इन पैट्री डिश बिकॉज इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर इवेपोरेट because it has less boiling point, ठीक है, note कर लो आप इसे, ये example याद रखना है evaporation में, vaporization में, ठीक है। बार बार मैं इसको नहीं समझाऊंगी क्योंकि कई बार हो गया, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसे note कर लीजिए। Next देखेंगे हम centrifugation, जो कि creams बटर सेपरेशन में, क्रीम सेपरेशन में जिनका यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें कपड़ों को सुखाने के लिए, ठीक है, कपड़ों को ड्राई करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। हेडिंग करिए सेकेंड मेथड का, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अगर हम देखते हैं इनको, तो सबसे पहले क्या नोट करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, सबका बेसिक प्रिंसिपल आपको पहले ही लिखना पड़ेगा,
जब भी आप कोई टॉपिक लिखते हो, ठीक है, वो टॉपिक आपको आ रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन आप वो टॉपिक को रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो और एग्जामिनर आपको इससे हैप्पी होगा, ठीक है। आपको आप बहुत सारी चीज़ें आप उनको मिक्स कर दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर ठीक है जल्दी जल्दी में नंबर दे देता, बट आपको एक उसको प्रॉपर वे में लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी पॉइंट टू पॉइंट देकर उसको आपको अच्छा नंबर दे सके। तो बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ये क्या है, मिक्सर्स की बात हो रही है, तो यहाँ भी मिक्सर्स में क्या है, दो सब्सटेंसेस होंगे, दो पार्टिकल्स होंगे, तो इन दोनों पार्टिकल्स में से यहाँ पर किसकी बात होगी, अब डेंसिटी की बात होगी, ठीक है। इसके पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई थी वेपोरेशंस में, अब जब हम सेंट्रीफ्यूगेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी रिलेटेड हो जाता है, मींस जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बॉटम में सिट हो जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है, या फिर लाइटर और डेंसिटी वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो नोट करेंगे हम, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, व्हेन मिक्सर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, व्हेन मिक्सर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, देन the higher dense particles stay at the bottom and lighter dense particles stay away, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, जब मिक्सर्स को बहुत ही तेज़ी तरीके से रोटेट किया जाता है, तो क्या होता है, जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, बॉटम में स्टे कर जाते हैं, और जो लाइटर डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, एबव आ जाते हैं, स्टे एबव, आप यहाँ पर अबे नहीं करोगे, स्टे एबव, ठीक है। डेंस से समझना है यहाँ पर, डेंस से डेंसिटी हो गया, ठीक है, लेस डेंसिटी और हायर डेंसिटी याद रखना आपको। तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा दही या मक्खन, ठीक है, तो जब मक्खन बनाया जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशंस का ही वहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो करता है, रोटेट किया जाता है, रोटेट करने में क्या होता है, क्रीम ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक प्रिंसिपल इसका याद रखना है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो नोट करते हैं हम एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। आपने सुना होगा टोन की, कि टोंड मिल्क है, ठीक है, या फिर टोंड मिल्क नहीं है, फुल क्रीम मिल्क है। तो जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसमें मिल्क में से क्रीम को सेपरेट नहीं किया जाता, लेकिन जो टोंड होते हैं और डबल टोंड होते हैं, ठीक है, टोन का मतलब है कि उसमें से क्रीम को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया, किस मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, तो उसी को बोला जाता है टोन। टोन वाले में क्रीम नहीं होती है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क, और इसको आप एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे जैसे एबव जाएंगे, यहाँ पर आप लाइट कलर शो कर देना और यहाँ पर डार्क कलर शो कर देना, यहाँ बॉटम में हायर डेंसिटी वाला पार्टिकल्स रहेगा और ऊपर लेसर डेंसिटी वाला पार्टिकल रहेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लाइटेस्ट और यहाँ पर डेंसेस्ट पार्टिकल और यहाँ पर लाइटर पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर डेंसेस्ट यानी कि जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम जिसकी होगी, फिर सबसे कम जिसकी होगी, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया इसका एग्जांपल। अब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि किस किस फील्ड में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन की, तो यूज्ड इन डेयरी, ठीक है, डेयरीज एंड होम फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है।
मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए, चाहे हम डेयरी की बात करते हैं या फिर होम की बात करते हैं, तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करके किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यूज इन डायग्नोस्टिक लैब। For blood and urine test, ठीक है। तो जहाँ पर यूरिन और ब्लड टेस्ट होता है, तो उस टाइप के जो डायग्नोस्टिक लैब होते हैं, वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं, करेंगे तो कहाँ पर यूज होगा, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स एंड ड्राई देम। ठीक है, कपड़ों को सुखाने में और उसमें जो भी वाटर है उसको क्या करना, स्क्वीज मतलब उसको वहाँ से निकालने में किसका यूज किया जाता है, कौन से मेथड का यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल की ओर एक फोर्स लगता है, तो ये आपको याद रखना है। यूज इन वॉशिंग मशीन, डायग्नोस्टिक लैब और डेयरी एंड होम, अपना होम वर्क में क्रीम को सेपरेट करने के लिए भी इन सब चीज़ों का, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। अब हम थर्ड देखते हैं, यहाँ पर जो थर्ड मेथड है वो है कि सेपरेटिंग फनल मेथड का यूज किया जाता है। उसमें दो ऐसे कंपोनेंट्स लिए जाते हैं जो आपस में डिजॉल्व ही नहीं होते हैं, जैसे वाटर में ऑयल होता है, पानी होता है, तो वो डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं, तो सेपरेटिंग फनल का यूज करके उसको किया जाता है। अब इसमें हम थर्ड मेथड क्या देखते हैं, सेपरेटिंग फनल बाय सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल का यूज करके क्या किया जाता है, जो इमिसिबल कंपोनेंट्स होते हैं, इमिसिबल मिक्सर्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। तो इसका जो हम डिफिनेशन या बेसिक प्रिंसिपल लिखेंगे वो ये लिखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, जो इमिसिबल मिक्सर्स हैं उनमें से मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए, कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए फनल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या नोट करोगे, टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड्स मीन्स दैट डू नॉट डिजॉल्व टू ईच अदर, डिजॉल्व टू ईच अदर, जो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो सकते उन्हें क्या बोला जाता है, इमिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है। ठीक है, कैन बी ईजली सेपरेटेड बाई यूजिंग फनल। ठीक है, उनको फनल का यूज करके क्या किया जाता है, सेपरेट किया जा सकता है आसानी से। तो इसके लिए एक डायग्राम हम देख लेते हैं, डायग्राम कुछ आपका ऐसा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर स्टॉपर लगा होता है, ठीक है, स्टॉपर लगा होता है जो कि स्टॉप करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ ठीक है, तो ऐसे आपको देखना, ये फनल है, इसमें यहाँ तक क्या है, ये वाटर है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, ये वाटर है, और ऊपर यहाँ तक क्या है, ये केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल। ठीक है, केरोसिन ऑयल हो गया, अब ये ऊपर से लॉक्ड है। ठीक है, तो और नीचे क्या है, ये स्टॉपर है। ये पूरा, अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये क्या है, सेपरेटिंग फनल है। क्या है ये, सेपरेटिंग फनल है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, तो जो ये स्टॉपर है इसको क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे और एक बीकर में, एक कंटेनर में हम क्या करेंगे, वाटर को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद स्टॉपर को स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट कंटेनर में हम क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल को हम सेपरेट कर लेंगे। तो बस बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजिली तरीके से किया जाता है। जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं तो उनको सेपरेट करने का सबसे ईजी मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल, आपको ये डायग्राम बनाना है। अब इसका एग्जाम्पल आप लिख लो कि किस तरीके से लिखना है। तो एग्जाम्पल नोट करिए,
ऑयल फ्रॉम वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. First opening the stop cock till the water removed in a beaker. ठीक है, कब तक हम स्टॉप कॉक को ओपन करके रखेंगे? जब तक कि वाटर एक बीकर में रिमूव नहीं हो जाता, चला नहीं जाता है. उसके बाद स्टॉपर को या स्टॉप कॉक, और इसको क्या लिख सकते हो, स्टॉप कॉक. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्टॉप कर देंगे. देन आफ्टरवर्ड ऑयल कैन बी कलेक्टेड इन सेपरेट बीकर. ठीक है, सेपरेट बीकर. फिर ऑयल को एक सेपरेट बीकर में, अलग बीकर में हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं. तो ये हो जाता है आपका सेपरेटिंग फनल का यूज. ठीक है, कि किस तरीके से हम दो लिक्विड्स को जो इमिसिबल है, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, उनको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट मेथड पर जाते हैं. ठीक है, इनका एप्लीकेशंस. ठीक है, यानी कि सेपरेटिंग फनल का जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है. तो फर्स्ट एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो पहला एप्लीकेशंस है वो तो आपने देख ही लिया कि ऑयल को वाटर से अलग करने में. ठीक है, तो यूज इन सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर. ठीक है, वाटर में से ऑयल को सेपरेट करने में इसका यूज किया जाता है. सेकेंड हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. ठीक है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. ठीक है, जो इसके ओर होते हैं उससे आयरन को सेपरेट करने में भी सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है. जो लाइटर स्लैग होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं. ठीक है, और मोल्टन रॉ आयरन रह जाता है. तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसका एप्लीकेशन. जो फोर्थ मेथड है वो है आपका सब्लिमेशन. बहुत ही इजी मेथड है ये. ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, सब्लिमेशन. कपूर आप सब जानते होंगे. ठीक है, पूजा पाठ में यूज किया जाता है. तो कपूर को जब जलाते हैं वो क्या होता है, सॉलिड होता है. डायरेक्टली जब कपूर जलता है तो वहां पर आप देखते हो कुछ भी नहीं बचा रह जाता है, यानी कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में. तो वही क्या है आपका, सब्लिमेशन मेथड होता है. ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, जो दो कंपोनेंट्स हैं तो उनमें से एक क्या हो, लाइम हो जाता है. ठीक है, तो नोट कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल. Out of two component, one will be sublime directly. ठीक है, क्या होता है, एक directly क्या होता है, sublime हो जाता है. Means convert from solid to gas. ठीक है, solid to gas. Gas से किस में convert हो जाता है, solid में convert हो जाता है. ठीक है, तो और अदर विल नॉट. ठीक है, और एंड ये भी नोट कर लेना, एंड अदर विल नॉट. ठीक है, जैसे इसका नेफ्थलीन हो गया, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो. ठीक है, कैम्फर हो गया, कपूर हो गया. जो गोलियां होती हैं फिनाथिलीन की, आपको पता है कि जो कपड़े में रखी जाती हैं, क्लोथ्स में रखी जाती हैं. ठीक है, कि उसको जो मौत होते हैं उनसे बचाया जा सके, कीड़ों से बचाया जा सके. ठीक है, तो वहाँ पर भी किसका यूज किया जाता है, नेफ्थलीन का यूज किया जाता है. वो जो गोलियाँ होती हैं धीरे धीरे क्या होती हैं, सबलाइम हो जाती हैं. मीन्स उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस बनकर उड़ जाते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया. एग्जाम्पल अगर नोट करना है तो हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. एग्जाम्पल नोट करिएगा. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की बात हो रही है, NH4Cl. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl. NaCl क्या है, यहाँ पर कॉमन सॉल्ट है. मिक्सर
कैन बी ईजली सेपरेटेड बाई दिस मेथड. ठीक है, इस मेथड के सब्लिमेशन मेथड के यूज करके अमोनियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट के मिक्सर से अलग किया जा सकता है बहुत ही इजी तरीके से. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है ना ये सब्लाइम हो जाएगा. सो अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl क्या होगा, सब्लाइम हो जाएगा एंड NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, बचा का बचा ही रह जाएगा. तो ये हो गया सब्लिमेशन. ठीक है, इसका एग्जांपल भी आपने देख लिया. एप्लीकेशंस की बात करें तो कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, और NH4Cl ये सब क्या होते हैं, सब्लाइम हो सकते हैं. तो आप इसका एप्लीकेशंस नोट कर लीजिए. ये तो एग्जांपल है, एप्लीकेशन नोट कर लो आप. कैम्फर जिसे कपूर बोलते हैं, ठीक है, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन एंड NH4Cl कैन बी सब्लाइम. ठीक है, कैन बी सब्लाइम, तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये हमने कितने मेथड देख लिए, चार मेथड देख लिए. अभी बचता है आपका क्रोमेटोग्राफी बचता है और डिस्टिलेशन मेथड बचता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड बचता है. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक, अपने दोस्तों तक अच्छे से पहुँचा दीजिए. ठीक है, ताकि सब लोग इसका आसानी से बेनिफिट ले सकें और अच्छे नंबर इस कोर्स कर सकें. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.